नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक गरड़। जय महाराष्ट्र यूट्यूब चैनल पे सभी किसानों का सहर्ष स्वागत करता हूँ। तो किसान साथियों, ये है अंगूर की सादी सोना का किस्म है। ये खाने में बहुत मीठा होता है। जो सबसे मीठी टेस्ट की बात करें तो ये सादी सोना का है। सुपर सोना का हो गए, एसोसिएशन होगी, इससे बेहतर ये सादी सोना का अंगूर की किस्म बहुत मीठी है। देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, ये है सादी सोना का किस्म की क्वालिटी। देख सकते हैं इसकी चमक, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन ये खाने में बहुत मीठा है, बहुत टेस्टी है। देख सकते हैं, देखिए कितने बड़े बड़े अंगूर है। साइज़ देखिए इसकी, साइज़ भी बहुत बड़ी है दोस्तों। लगभग ये फरवरी में मार्केट में जाएगा। इस तरह अंगूर की खेती महाराष्ट्र में किसान कर रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं। देख सकते हैं अंगूर लगभग 200-250 ग्राम का होगा। तो इस तरह ये अंगूर ऐसे पीला होता है, बाद में ही पकता है। तो ये पका हुआ है, अभी इसमें 7-8 दिन में ये पूरा सा पूरा अंगूर पक जाएगा। सबसे ज़्यादा अंगूर महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। तो बाहर राजस्थान होगा, बाद में हिमाचल होगा, चंडीगढ़ होगा, इन एरिया में अंगूर की ऐसी होराटी नहीं होती है। किसी किसी भाई के डाउट थे, हमारे अंगूर में सीड होता है, तो बोलते हैं जो भी हमारे यहाँ होता है वो उसमें सीड होता है। लेकिन दोस्तों, इसमें सीड नहीं होता है। चलो देखते हैं सीड होता है या नहीं। देख लीजिए, इसमें सीड नहीं है। देखो कितना रस है इसमें, रस देख सकते हैं इसमें। तो इस तरह महाराष्ट्र में अंगूर होते हैं। इसमें महाराष्ट्र में जो भी अंगूर होते हैं, हमारे यहाँ अंदर सीड नहीं होता है, बहुत मीठे अंगूर होते हैं। देख सकते हैं, जहाँ भी नज़र मारो वहाँ अंगूर ही अंगूर लपेटते हुए दिखाई देते हैं। तो अभी मार्केट में 60 रुपये, 70 रुपये या 50 रुपये, इस तरह किस्म देखकर रेट है। तो महाराष्ट्र के अंगूर बहुत मीठे होते हैं, लेकिन बाहर के स्टेट में अंगूर मीठे क्यों नहीं होते है? एक डाउट है किसानों का। तो महाराष्ट्र में गर्मी ज़्यादा होती है, इसलिए भी अंगूर मीठे होते हैं। लेकिन नागपुर होगा, नासिक होगा, पुणे होगा, इन एरिया में गर्मी कम होती है, इसलिए वहाँ अंगूर थोड़े से खट्टे होते हैं। अंगूर को टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है। जहाँ ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ इसकी टेस्ट अच्छी होती है। जहाँ मान लीजिए किस किस इलाकों में 5 डिग्री 10 डिग्री टेम्परेचर जाता है, उन एरिया में थोड़े से अंगूर खट्टे होते हैं। एक पहली बात है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा सोलापुर होगा,
बाद में सातारा, इन एरिया में अंगूर मीठे होते हैं। तो किस कोई कोई किसान कहते हैं हमारे यहाँ अंगूर आएगा या नहीं आएगा, ऐसे बोलते हैं। लेकिन अंगूर आएगा या नहीं आएगा ये बात नहीं है, तो ये है अंगूर की टेस्ट की बात है। तो जहाँ 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाता है वहाँ अंगूर मीठे होते हैं, वहाँ होती है अंगूर की बढ़िया टेस्ट। देख सकते हैं ये अंगूर, इस तरह अंगूर के पत्ते होते हैं, ये बेल होती है। और यहाँ फ्रूट निकलने के बाद बाहर के नर्सरी वाले हमारे पास से कटिंग लेते हैं और वहाँ पौधे खुद बनाते हैं कटिंग से। बाहर के स्टेट में राजस्थान होगा, बाद में हरियाणा होगा, हिमाचल होगा, इन एरिया में कटिंग वाले अंगूर लगाते हैं। महाराष्ट्र में किस किस इलाकों में कटिंग वाले ही लगाते हैं, लेकिन जहाँ पानी ज़्यादा रुकता है, जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, उन एरिया में कटिंग वाले ही अंगूर चलते हैं। कटिंग से पौधे तैयार करते हैं और उस पर ही फ्रूट आते हैं, वही भी बेस्ट है दोस्तों। लेकिन हमारे यहाँ रूस्टॉक होता है तो उसी के ऊपर ग्राफ्टिंग करते हैं। तो इस तरह अंगूर होते हैं महाराष्ट्र में। ये है हमारी सबसे बेस्ट वैरायटी सादी सोना का। इस किस्म का नाम है सादी सोना का। ये खाने में मीठी होती है, इसमें रस ज़्यादा होता है और ये इसे खाने में लोग पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत मीठी होती है वैरायटी। तो नंबर वन पर है सादी सोना का टेस्ट के बारे में। और बाकी के क्वालिटी के हिसाब से देखेंगे तो SSN और सुपर सोना का इसे मार्केट होता है, लेकिन खाने में टेस्ट सादी सोना का की बहुत अच्छी है। चलिए धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में वेट करते हैं ब्लैक अंगूर के ऊपर, हम अगले वीडियो में टॉपिक करेंगे। गुड बाय दोस्तों।